जहाँ तक वर्तमान स्थिति है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक, एक बड़ी चिंताजनक स्थिति आज देश में उत्पन्न हो चुकी है कि जहाँ हम लोगों की एक तरफ अगर आप देखो तो विदेश नीति की हम लोग बात करते हैं, जहाँ न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में हमारी असफल प्रयास रही सदस्यता ग्रहण करने के लिए, और आश्चर्य की बात रही कि जहाँ बड़े पैमाने पर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, और जहाँ 48 देशों में से 12 या 13 देशों ने हमारा विरोध किया उस विषय में, ये ज़रूर हम लोगों के लिए एक चिंताजनक स्थिति है। जबकि यूपीए सरकार के समय में एनएसजी का एक वेवर और एनपीटी का वेवर, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी का वेवर हमारे परमाणु अधिनियम के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने स्वयं हासिल किया था सफलतापूर्वक, एक लो प्रोफाइल तरीके से, और पूरे जगत के सारे देशों का विश्वास भारत ने जीता था हमारी परमाणु प्रोलिफरेशन की क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड के अंतर्गत। और आज जो स्थिति सरकार ने उत्पन्न कर दी है प्रधानमंत्री और कैबिनेट के सदस्यों ने, कि भारत और पाकिस्तान जहां एक ज़मीन आसमान का अंतर है परमाणु प्रोलिफरेशन के मामले में, उसे एक स्तर पर लाकर प्रधानमंत्री और कैबिनेट के सदस्यों ने लाकर अंतर्राष्ट्रीय जगत के लाकर रख दिया। जब हमारे विदेश मंत्री स्वयं कहती हैं कि कोई कठिनाई नहीं है अगर पाकिस्तान भी मेंबरशिप हासिल करना चाहता है, तो फॉरेन पॉलिसी में, विदेश नीति में जहां बार बार असफलता का प्रमाण हमारे सामने आ रहा है एनएसजी के मेंबरशिप के विषय में, क्या ज़रूरत थी अभी अगर हमें मालूम था कि असफलता होने वाली है इतने हाई प्रोफाइल तरीके से इसे पेश करना। और विदेश नीति पॉम्प एंड शो की बात नहीं होती है, विदेश नीति गंभीरता परिपक्वता के आधार पर सफल हो पाती है, जो यूपीए के सरकार के समय में मनमोहन सिंह जी ने दिखाया था। वहीं जहां एनएसजी की हम लोग बात करें, चीन के साथ पाकिस्तान के साथ, जहां एक तरफ चुनाव के पहले कहा जाता था कि हम लाल आंख दिखाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जो लोग टिप्पणी करते थे कि एक सिर के बदले में हमें 10 सिर लेना चाहिए, 1000 तो सीज फायर वायलेशन हो गए हैं पाकिस्तान बॉर्डर पर, हर मुद्दे पर जीआईटी में आपने आईएसआई के सदस्य को आपने आने दिया भारत माता की माटी पे, जो कहा जाता है। और जब हमने प्रश्न किया पार्लियामेंट में तो निरुत्तर थे सरकार, और ये विश्वास दिलाया था कि हमारी भी जीआईटी जाएगी पाकिस्तान, जो आज तक नहीं जा पाई है। रोज आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, पंपोर की बड़ी घटना हो गई गुरदासपुर के बाद, उधमपुर के बाद अनेक घटनाओं का सिलसिला चल रहा है। तो जहां विदेश नीति विफल हो रही है वहां हमारी आंतरिक सुरक्षा पर भी चिंता के बादल मंडरा रहे हैं, और चीन के साथ भी वही स्थिति है। आज चीन आपके एनएसजी के सदस्यता का विरोध करता है, चीन मसूद अजहर को आतंकवादी कहलाने में यूएन में वीटो कर देता है, आपकी ट्रेड डेफिसिट चीन के साथ बढ़ती जा रही है। तो आपकी विदेश नीति इतनी विफलता की प्रतीक बन चुकी है आज भारत के लोगों के लिए, ये बड़ी चिंताजनक विषय है। और 2 साल में 34 देशों का भ्रमण हो चुका प्रधानमंत्री का, पर असलियत हमारे सामने नहीं आया कि उससे भारत को क्या मिला। और वहीं जहां विदेश नीति विफल हो चुकी है, आप देश की आंतरिक स्थिति की बात देखिए, महंगाई की स्थिति देखिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि रोज आप लोग ही पेपर में प्रकाशित करते हो जो संकट का सामना हम सबको पूरे देश में करना पड़ रहा है। महंगाई के दौर पर दाल 200 रुपये प्रति किलो हो चुका है, जब कांग्रेस के ज़माने में दाल के दाम 15 रुपये बढ़े थे तो कितना हंगामा किया था भाजपाइयों ने, और आज क्या जवाब है इन लोगों का।
चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे असहिष्णुता का मामला हो, हर दिन प्रतिदिन कुछ मामला उठ रहा है। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस का वापस लेने का षड्यंत्र शुरू हो चुका है। चाहे आर्थिक प्रगति की बात करो, तो हर स्थिति में जो एक अराजकता का माहौल है, और एक किसानों की हम बात करें तो जहां एक तरफ समर्थन मूल्य में वृद्धि नहीं हुई है, वहां बिजली नहीं मिल रहा, सूखा का सामना किसान अकेला कर रहा है, सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं, तो आज देश के अंदर की स्थिति चिंताजनक हो गई है और देश के बाहर की स्थिति। पर इनकी सोच केवल यह है कि हम लोगों को इलेक्शन मैनेजमेंट करना है। अब यूपी के चुनाव आ रहे हैं, कैराना में जो स्थिति हुई है वो देखो आप, यही सांप्रदायिकता का मुद्दा उठ रहा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा उठ रहा है, इससे क्या विकास और प्रगति देश का असलियत में हो पाएगा? अंतर्राष्ट्रीय जगत में आर्थिक गुरु प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं भारत की आर्थिक प्रगति के, घरेलू उत्पादन के दर के मामले में। तो जो आज मौसम हमें इंदौर में दिख रहा है, वही ऐसे ही घने बादल पूरे देश में छाए हुए। और आज मैं कहता हूं कि 2 साल हो गए इस एनडीए के सरकार को, लेकिन कोई कल्याणकारी नीति नहीं, कोई नई सोच नहीं, एक के बाद एक विफलता, और प्रश्नों का जवाब इनके पास कुछ नहीं। अभी मानसून सत्र शुरू होने वाला है अगले हफ्ते, इन सब मुद्दों को प्रखर रूप से हम प्रमुखता से उठाएंगे संसद में, और सरकार से हम उनकी जवाबदेही और उनसे जवाब हम मांगेंगे। हमने अनेक मुद्दों पर राष्ट्रव्यापक आंदोलन हमने छेड़े हैं, चाहे भूमि अधिग्रहण का मामला रहा हो, चाहे महंगाई का मामला रहा हो, चाहे छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है हुआ था हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, उस मामले के आधार पर अनेक मामलों पर हमने राष्ट्र स्तर के आंदोलन हमने छेड़े, और विपक्ष की भूमिका निभाने की क्षमता कांग्रेस पार्टी में है, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर। मैं मानता हूं कि आज मध्य प्रदेश को की जो स्थिति राष्ट्र स्तर पर है वो एक बड़ी चिंताजनक स्थिति है। चाहे हम किसानों की बात करें, चाहे हम नौजवानों की बात करें, हाँ राष्ट्र स्तर पर सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। जो कहा था इन्होंने कि हर साल हम 20 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न कर पाएंगे, और पिछले 2 सालों में एक साल में केवल 4,10,000 और दूसरे साल में 4,50,000, मतलब जो इनका टारगेट है कि 5 साल में हम लोग 10 मिलियन जॉब हम लोग दे पाएंगे, उसका 5% भी वार्षिक स्तर पर ये लोग नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक आपने जीएसटी का मामला कहा, कांग्रेस का रुख पिछले 1.5 साल से स्पष्ट है, दिल्ली में स्पष्ट है, भोपाल में स्पष्ट है, कर्नाटक में स्पष्ट है, हर राज्य में स्पष्ट है। हमने 3 चीज़ बड़ी स्पष्टता से कहा है। एक तो जीएसटी का रेट औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से कैप होना चाहिए, क्योंकि अगर उस जीएसटी का रेट कैप नहीं होगा तो फिर कभी भी हमारे उपभोक्ताओं पर, राष्ट्र के हमारे निवासियों पर उस जीएसटी के रेट को 16-17 जो भी डिसाइड किया जाएगा उससे 25-30-40 तक भी ले जा सकते हैं, तो फिर जीएसटी का कोई औचित्य नहीं रहा। दूसरा, हमने कहा है जो 1% वैट आप अधिकतम हर एक राज्य को आप मंजूरी दे रहे हो, अगर वो नियम लागू होगा 1% टैक्स अधिकतम, तो फिर जीएसटी का रहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर जीएसटी का मिनिमल रेट होगा 13-14%, और अगर कोई भी चीज़ का उत्पादन जम्मू कश्मीर में हो और उसका सेल कन्याकुमारी में हो और हर एक राज्य 1% लगाता जाए, तो फिर जीएसटी 13% नहीं बची, जीएसटी बन जाएगी 25%।